शेर और बुद्धिमान चूहा। बहुत पुराने समय की बात है, एक चूहा मस्ती करता हुआ अपनी बिल की ओर लौट रहा था कि रास्ते में उसकी नजर शेर की गुफा पर पड़ी। उसने देखा कि शेर अपनी गुफा में गहरी नींद में सोया हुआ है और वह शेर के ऊपर जा चढ़ा। चूहा यह अच्छी तरह जान चुका था कि शेर बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाते हुए जोर जोर से उछल कूद करना शुरू कर दिया। चूहे की उछल कूद के कारण शेर की नींद खुल गई। शेर ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि एक नन्हा सा चूहा उसके ऊपर कभी इधर तो कभी उधर घूम रहा है, तो कभी जोर जोर से कूद रहा है। यह सब देखकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और उसने झट से चूहे को अपने नुकीले पंजों में जकड़ लिया। चूहा शेर के गुस्से को देखकर बहुत डर गया। उसे लगा कि आज तो वह जरूर मारा जाएगा। उसने शेर से विनती की, शेर महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया करके आप मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और जीवन में मुझे कभी भी मौका मिला तो मैं आपके इस उपकार को अवश्य चुका दूंगा, मुझे जाने दो। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर बोला, तुम इतने छोटे होकर भला मेरे लिए क्या कर पाओगे? तुम तो इतने छोटे हो कि तुम्हें खाने के बाद मेरा पेट भी नहीं भर पाएगा। अब चलो जाओ यहां से, वापस कभी ऐसी गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खा जाऊंगा। चलो अब जाओ यहां से। चूहे को याचना करते हुए देखकर उसे चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा शेर को धन्यवाद बोलकर वहां से चला गया। काफी समय बीत गया कि एक दिन शेर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। घूमते घूमते वह खुद ही शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल से बाहर ही नहीं निकल पाया। हार कर शेर मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा। संयोगवश चूहे ने उसकी दहाड़ सुन ली और उसने वहां जाकर देखा तो शेर जाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। उसने शेर को जाल में फंसे हुए देखा तो वह शेर की मदद के लिए तुरंत शेर के पास जा पहुंचा और जाल को काटना शुरू कर दिया। उसने अपने नुकीले दांतों से जल्दी ही जाल को काट दिया। चूहे की मदद के कारण शेर जाल से बाहर निकल आया और उसने चूहे को बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन शेर को समझ आया कि किसी भी प्राणी को छोटे या बड़े कद से नहीं आंकना चाहिए, और अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमें इसका फल अवश्य ही मिलेगा।